जय हिंद दोस्तों, इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मॉडल वर्ब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। इसको ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए। ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, तो इस ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं एकदम कंप्लीटली बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है। समझ लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है इसी में से रहेगा, ये तय है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, ये आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो है, कभी मिस मत कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। देखिए लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरें विद द सुइटेबल मॉडल वर्ब्स, उपयुक्त मॉडल वर्ब से गिवन बिलो, जो नीचे दिया हुआ है, कुछ नीचे मॉडल वर्ब दिया हुआ है, उस मॉडल वर्ब से उस खाली जगहों को भरना है, है ना। अब यहां पर देखिए एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें चार मॉडल है। एक यहां पर देखिए कैन दिया है, एक देखिए मे दिया है, एक देखिए मस्ट दिया है, और लास्ट में देखिए कूड दिया है, और चार क्वेश्चंस भी है ए बी सी डी, है ना। इस चारों क्वेश्चंस में, है ना, एक एक मॉडल का यूज करना है, जिसमें जो लगेगा उसका यूज आप करेंगे, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। He does run faster than anyone when he was 10 years old. अब यहां देखिए क्या लिखा है, when he was 10 years old, है ना, when he was 10 years old, जब वह 10 वर्ष का था, यानी बीते समय की बात है, वाज लगा हुआ है, बीते समय की बात है, जब वह 10 वर्ष का था, उस समय की बात है, when he was 10 years old, है ना। He does run faster than anyone, वो किसी भी व्यक्ति से तेज दौड़ सकता था, जब वो 10 वर्ष का था तो किसी भी व्यक्ति से तेज दौड़ सकता था, उसमें तेजी से दौड़ने की क्या थी, क्षमता थी। अर्थात यह क्षमता जो आप देख रहे हैं ये पास्ट पावर हो गया, भूतकाल की क्षमता हो गया, और भूतकाल की क्षमता को दिखाने के लिए किस मॉडल का यूज होता है, आप पढ़े हैं ना, कूड का यूज होता है। इसलिए बीते समय की कोई भी क्षमता हो तो वहां किसका प्रयोग होगा, कूड का। आप जो ये ए नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं इसमें कूड का प्रयोग होगा, क्योंकि यह पास्ट पावर को दिखा रहा है, है ना। अब चलिए दूसरा, है ना, एनीवन, कोई भी व्यक्ति, ब्लैंक है, मेक मिस्टेक्स मतलब गलती करना, है ना, किसी भी व्यक्ति से गलती हो सकती है, मुझसे हो सकती है, आपसे हो सकती है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी है, कहीं भी है, किसी से भी कहीं भी गलती हो सकती है, है ना। उसमें हर व्यक्ति में गलती करने की गुण होती है, ये हो जाता है ऐसा, है ना। तो ऐसी बात को दिखाने के लिए आप कैन मॉडल का यूज करते हैं, है ना, किसका यूज करते हैं, कैन का। यहां किसका यूज हो जाएगा, कैन, है ना, ये बीच, है ना, ये जो है हर व्यक्ति में गलती करने की क्षमता होती है, वो छिपी रहती है लेकिन अनायास गलती हो जाती है, है ना। फिर देखिए पेरेंट्स, माता पिता, लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, है ना, हर व्यक्ति को, हर माँ बाप को अपने, है ना, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, ये एडवाइस है, ये सुझाव है, एक सलाह है, है ना। और एडवाइस को दिखाने के लिए, है ना, निर्देश को दिखाने के लिए आप मस्ट का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेंस, माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, है ना, ये इंस्ट्रक्शन है, ये निर्देश है, ये ड्यूटी है, ऐसी स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू, देखिए यहाँ ब्लैंक है शुरू में, और लास्ट में यहाँ देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे, कोई भी सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा और शुरू में ब्लैंक रहेगा तो समझ जाइए ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और इसकी शुरुआत किससे होगी, किससे होगी, मे से, इसकी शुरुआत किससे होगी, मे से। यहाँ जो ये मे मॉडल है इसका प्रयोग आप यहाँ करेंगे, मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, ईश्वर तुम पर कृपा करे, ईश्वर तुम पर मेहरबानी करे, ऐसा इसका मीनिंग होता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चंस भी, जैसे एक नंबर में चार क्वेश्चंस है, चार मॉडल वर्ब दिया है, उसी तरह, है ना, दूसरे नंबर में भी चार मॉडल्स है। एक मॉडल देखिए कूड दिया है, दूसरा मॉडल क्या है, विल दिया है, तीसरा क्या है, मे है, चौथा क्या है, शुड है।
चलिए इस चारों का प्रयोग नीचे जो चार क्वेश्चंस है इस चारों में करना है। इनमें से किस में कूट लगेगा, इनमें से किस में विल लगेगा, इनमें से किस में लगेगा, इनमें से किस में शुड लगेगा। ख्याल करिए, ध्यान दीजिए। फिर देखिए लिखा द गर्ल्स लड़कियां ब्लैंक है, वियर साड़ीज साड़ियां पहन सकती है, इफ दे विश इट यदि वो चाहती है तो, लड़कियां यदि चाहती है तो साड़ियां पहन सकती है, अर्थात आप उसको परमिशन दे रहे हैं, है ना, परमिशन दे रहे हैं साड़ी पहनने की, यदि वो चाहती है तो पहन सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग किस मॉडल का प्रयोग करते हैं परमिशन के लिए, मे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप किस मॉडल का यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। ऐसी स्थिति में मे का प्रयोग किया जाता है। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, जैसे मैं बताता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, एकदम आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, एग्जाम आपका इजी हो जाएगा यदि आप पूरा वीडियो देखिएगा। फिर जैसे देखिए राजीव है, डैश है, स्पीक फाइव लैंग्वेजेस, किसी व्यक्ति में अंग्रेजी, ये कोई भी बात काम करने की क्या होती है, क्षमता होती है, चाहे बक्सा उठाना हो, पत्र लिखना हो, अंग्रेजी बोलना हो, हिंदी बोलना हो, ये उसकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। तो क्षमता वर्तमान में भी हो सकती है और बीते समय में भी, है ना, वर्तमान में भी हो सकती है और बीते समय में भी हो सकती है। तो यहाँ पर वर्तमान में होता तो कैन लिखा जाता, लेकिन कैन तो इसमें से है नहीं कहीं, इसका मतलब कूड हो जाएगा। ये बीते समय में राजीव जो है ना, ये है ना, बीते समय में जो राजीव है ना, पांच लैंग्वेजेज बोल सकता था, है ना, ये भूतकाल की क्षमता है, इसलिए यहाँ पर किस मॉडल का प्रयोग हो जाएगा, कूड का प्रयोग हो जजाएगा। I dash call on him tomorrow। देखिए tomorrow का प्रयोग हुआ आने वाले समय के लिए, है ना, ये आने वाले समय को दिखाता है, और आने वाले समय को दिखाने के लिए दो मॉडल्स का यूज होता है, shall और will का, है ना, किसका यूज होता है, shall और will का। इसमें shall या will का प्रयोग करेंगे, shall तो नहीं है तो will लगेगा। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, ये फ्यूचर एक्शन को दिखाता है, आने वाले समय में होने वाली क्रिया को दिखाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, कैंडिडेट्स है ना, परीक्षार्थी आंसर ऑल क्वेश्चंस, सभी प्रश्नों का, है ना, विद्यार्थियों को सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होता है, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होता है जो ऑफिस से दिया जाता है। यदि ऑफिस से किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे, वहां पर आपको याद रखना है किस मॉडल का यूज करेंगे, याद बताइए, शुड का यूज करेंगे। ये इंस्ट्रक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, शुड का, इसलिए यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, शुड। तो इस तरह हम लोग है ना मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। आप पूरा वीडियो देखिए और एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए, किसी ना किसी मित्र को शेयर करिए, उसको शेयर कीजिए जिनको मेरे चैनल के बारे में पता नहीं है। यदि आप नए हैं इस चैनल के लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपके पास एकदम पहुंचता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।